सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाई, हम प्रतिशत की प्रतिशत वैल्यू हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आप जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाना और इसका आंसर आप जल्दी से आप बताना भाई। 2-4 सेकंड आप वीडियो को रोककर आप उसमें आंसर जरूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर देना भाई। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन इसमें आज करेंगे, तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना। और लास्ट में आपसे एक SW पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर उसका आंसर आप जरूर देना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले हम समझते हैं इसमें प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, इसमें प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है। तो क्वेश्चन हमारा है भाई, 30% बटे 10% का 140 है। 30% बटे 10% का 140 से का मतलब होता है इसके अंदर गुना का निशान हमें लगाना होता है, गुना कर सोल्व करते हैं। अब प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो इसको हम बच्चे कैसे हटाते हैं इसमें, तो जैसे हम 30 बटा कितना, अगर किसी भी नंबर के साथ अगर प्रतिशत दिया गया होता है तो उसको हम बटे में प्रतिशत हटाते हैं, तो बटे हम कितना रखते हैं, 100 रखते हैं। अब अगली संख्या हम 10 बटा कितना रखेंगे, इसमें 100 रखेंगे, और का 140 पर प्रतिशत दिया गया है। अब जैसे हमारे पास यहां बटे में बटा है, तो 30 बटे 100 और गुना में 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगी, तो 3 बटा इसमें कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। का की जगह हम क्या डालेंगे, इसमें गुना डालेंगे। अब 140 बटे कितना आ जाएगा, 100, 0 0 काट देंगे, 14 3 42। 42 हमारे पास अगर जितने भी 0 होती है नीचे, उतने अंकों के बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे, तो 4.2 इसमें एक अंक इस तरफ से आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर ये आएगा। लेकिन इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, कैसे करेंगे हम इसे, तो जैसे हमारे पास यहां दिया गया इसमें भाई 30% का 30% बटे 10% दिया गया है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा इसे शेयर भी जरूर करना। तो ऐसे मतलब टाइप के क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे हमने यहां 30% बटे 10%, तो सबसे पहले हम का 140% दिया गया, तो सबसे पहले हम यहां प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों नंबर के अंदर, दोनों संख्याओं के अंदर प्रतिशत दिया गया इसमें। अब 30 बटे 10 का मतलब होता है इसमें गुना 140 बटे इसमें 100 दिया गया, प्रतिशत यहां भी दिया गया, तो हम इसमें 100 रख लेते हैं। अब इस 0 से 0 काट देंगे, इस 0 के साथ इस 0 को हम काट देंगे। अब 3 और 14 संख्या हमारे पास होती, तो 14 3 में 42, 42 बटे इसमें कितना आएगा, 10। अब देखो हमारे पास जितने भी 0 होती है नीचे, उतने अंकों के बाद इसमें हम दशमलव लगा देंगे, तो 4.2 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऐसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 60% बटे 40% का 120% हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां देखो, इसमें प्रतिशत से हम प्रतिशत को यही कैंसिल कर देंगे, हम प्रतिशत से हम प्रतिशत में यही कैंसिल कर देंगे, और आप जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाना और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। तो फिर रखेंगे हम इसमें 40 60 बटे 40, का मतलब होता है इसमें गुना 120 बटे कितना रखेंगे, हम इसमें 100 रखेंगे। 0 से 0 को हम काट देंगे, यहां इस 0 से 0 को हम काट देंगे। 4 से संख्या 12 कट रही है, तो 4 से हम काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 6 3 कितना आएगा इसमें, 18 18 बटा कितना आ जाएगा, 10। 18 बटे कितना आ जाएगा इसमें, 10 आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर ये आएगा, कितना आएगा, 1.8 इसका सही आंसर होगा। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जाना और जल्दी से इसका आंसर जल्दी से आप बताना। यहां रख लेते हैं हम इसमें 70% बटे 70% और 80% का आएगा 90% का हम इसमें वैल्यू इसमें निकाल ले। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जाना और जल्दी से इसका आंसर जरूर देना।
तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें 70% बटा कितना है 80%, और का मतलब होता है इसमें गुणा का निशान लगाएंगे हम इसमें 90 बटे कितना रखेंगे हम इसमें, यहां इसलिए हम हटा लेते हैं क्योंकि यहां तो हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर के अंदर ऊपर भी प्रतिशत दिया गया और नीचे भी प्रतिशत दिया गया, इसीलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहां हमारे पास सिर्फ इनमें से एक संख्या में दिया गया, तो इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहां इसमें प्रतिशत को प्रतिशत से हम इसमें कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो इसमें कट जाएगी। अब कोई संख्या इसमें इसमें यहां जिसमें जीरो से जीरो कट रही है, अब कोई भी संख्या इसमें नहीं कट रही है, जिसकी गुणा कर लेंगे 9 के साथ हम 63 की गुणा कर लेंगे, 9 7 इसमें कितना आएगा 63, और 8 के साथ 10 की गुणा कर लेंगे 8 दाएं 80। अगर इसको हमें भाग देना है या तो फिर इसकी वैल्यू यही आएगी 63 बटा कितना आ जाएगी 80 आएगी। अगर हमें 63 को भाग देना है 80 से, 63 को अगर हम 80 से भाग देते हैं तो पहले भाग देते इसमें हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे, 8 6 48 8 7 56 8 7 56 कितना आएगा, जीरो बचेगी, यहाँ हमारे पास इसमें 9 बचेगा और यहाँ जीरो बचेगी। आगे संख्या 9 81 और 810, इसको हम 9 पे ले जाते हैं, इसको हम 9 पे ले 800 9 8 72 9 81 9 8 72 तो 8 8 64 और 8 2 80, तो इसमें 8 5 40 8 6 48 तो 7 से नहीं हम इसमें ज्यादा से इसको हम गुना कर सकते हैं, ज्यादा संख्या पे जाएगा ये, तो यहां इसमें सबसे पहले हम इसमें जीरो डालेंगे और 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 पे जाएगा तो 8 7 56 इसमें ये आएगा, जीरो बचेगी हमारे पास और यहां हमारे पास बचेगा इसमें 7 बचेगा जीरो और 7 8 56 7 8 56 और 8 में ले जा सकते हैं, तो 8 8 8 में ले जाएगा तो 8 8 इसमें 64, या हमारे पास 0 बचेगी, या हमारे पास 6 बचेगा 0 बचेगी, तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम ऐसी संख्याओं का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, लेकिन ऑल वाला करना ताकि सबसे पहले आप लोगों को जितने भी वीडियो है वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं।